माननीय प्रधानमंत्री जी, आज भोपाल से मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। आज देश के 10 लाख से अधिक बूथों पर माननीय प्रधानमंत्री जी को वर्चुअली सुन रहे हैं। और आप सबको मालूम है कि अभी 9 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण का हम लोग सेलिब्रेशन नहीं बल्कि लाभार्थी के साथ, जनता के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं। समारोह नहीं बल्कि संवाद कर रहे हैं कि केंद्र सरकार जो इस देश के लिए, गरीब के लिए, किसानों के लिए, जवानों के लिए, देश के हर नागरिक के लिए जो काम किया है, आप उससे सेटिस्फेक्शन है। और कितना सेटिस्फेक्शन है, जो हमें रिजल्ट आ रहा है, सारे लोगों का ये मानना है कि देश का अगला सरकार दोबारा भाजपा की बनेगी, भाजपा की बनेगी, भाजपा की बनेगी। देखो तो ये प्रधानमंत्री भोपाल रे अनुष्ठित होता बूथ कार्यकर्ता सर्वभारतीय स्तर बूथ कार्यकर्ता जो मैंने बूथ कमिटी तैयारी करिवार एवं डिजिटली लिंक्ड अप करिवार सहायक होते से वार्ता दौरान भोपाल रे। किंतु मूलतः पूरा देश में पखापाखि 10 लक्ष बूथ कार्यकर्ता पाखे वार्ता पहुँचापी आम भर्चुअली ये व्यवस्था करिछु। एवं प्रधानमंत्री से प्रक्रिया 51 नंबर बूथ रे एठी एवं छतिया मंडल रो समस्त बूथ रो आगुआ कार्यकर्ता एठी आमे से व्यवस्था करिछु जे प्रधानमंत्री को सीधा सुनिबा पई एवं तृणमूल स्तर रे भारतीय जनता पार्टी को सुदृढ़ करिबा पई बूथ कार्यकर्ता मानकर कौन कर्तव्य अछि एवं को भली भाव रे आमे बिजू जनता दल रो लोक विरोधी नीति को एवं ये सरकार लोक विरोधी सरकार जनविरोधी सरकार को तृणमूल स्तर केमती लोकों भितर हटेबापी एवं भारतीय जनता पार्टी विचार रे विचारधारा रे भारतीय जनता पार्टी जो लोकाभिमुखी कार्यक्रम को तृणमूल स्तर में पहुँचेबापी एक सशक्त संगठन आवश्यकता अच्छे। तेणु तृणमूल स्तर में बूथ संगठन को आहुरी मजबूत करने एवं माननीय प्रधानमंत्री विश्व सबुठ लोकप्रिय नेता नरेन्द्र मोदी जो लोकाभिमुखी कार्यक्रम को किभली घरे घरे पहुँचेबू एवं भारतीय जनता पार्टी किभली भारतीय जनता पार्टी विचार को समस्त पाखे पहुँचेबू तार ये हूँ प्रयास।